तो भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है भाइयों, आज की वीडियो में भाइयों एक मॉडिफिकेशन एसेसरीज है जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे। ये चीज है भाइयों, ये लाउड स्पीकर माइक बोल देते हैं इसे। ये हमने ट्रैक्टर पे लगाया है, चाची जी ने ट्रैक्टर पे लगाया है, तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी दिखाएंगे और क्या इसके फायदे हैं भाइयों आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो भाइयों वीडियो को लास्ट तक बन रहे ना, काफी अच्छी वीडियो होने वाली है। और भाइयों एक आपसे ये आज कहना है कि अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आती हो या आप आगे कैसी वीडियो देखना चाहते हो, कि मान लो कोई कंटेंट मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो कि भाई अगली वीडियो इस चीज के ऊपर बता दीजिए, तो हम उसी का मतलब कि वही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे भाइयों। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं अब इसकी। ये माइक है भाइयों और इसको एंगेज और डिसएंगेज किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है जी। इसका ये यहाँ पे इसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है, बेस लगा हुआ है, और ये चीज़ दिखा दूँ मैं आपको, ये ऐसे है, ठीक है जी। और इसमें आके ये ऐसे लग जाता है, तो दूसरे हाथ से लगेगा, मैं आपको ला के दिखा देता हूँ, ये लग गया भाइयों, ठीक है जी। और भाइयों इस ये कैसे काम करता है मैं आपको वो भी बता दूँ। पहले जो इसका स्पीकर है जिसको लाउड स्पीकर बोल देते हैं वो दिखा दूँ, वो हमने अंदर लगा रखा है, ठीक है जी। ये हमने वो लगा रखा है और इसमें कई तरीके की आवाज़ें हैं, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये जो आप ये सारा जाली देख रहे हो ये माइक है भाइयों, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। हेलो, स्विच लगा दूँ भाई, एक बार स्विच नहीं लगाई मैंने, भाई स्विच तो लग गई थी लेकिन ये थोड़ा सा ना ये जो इसमें बटन दिख रहा है यहाँ पे देखो, एक ये वाला ये चीज, ये देखो जहाँ से अंगूठे से थंब से दबा रहा हूँ ना मैं ये वाली चीज, इसे दबा के बोलना पड़ता है फिर आपकी आवाज स्पीकर में जाएगी। अब देख मैं यहाँ से बोलता हूँ, हेलो 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 किसान भाइयों। तो भाइयों ये ऐसे काम करता है, ठीक है जी। मतलब ये बटन दबा के रखना पड़ता है। और इसके जो फायदे हैं मैं आपको इसमें ना कई तरीके की आवाजें भी हैं जो इसमें इनबिल्ड है वो भी सुनवा दूंगा। तो भाई उससे पहले आपको एक चीज बता दूंगी कि ये किस चीज के लिए काम आता है। तो भाई इसको हम एक फायदे में ले सकते हैं, वो इस तरीके से फायदे में ले सकते हैं, यदि मान लीजिए कि आप आपकी जो लेबर है गन्ने की लेबर है या कोई और फसल की लेबर है वो खेत से थोड़ी दूर है और आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से इस जो स्पीकर है जो लाउड स्पीकर है जोर से बोलेंगे और होप कि वहां तक आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए भाइयों। तो भाई अब इसके जो इसमें जो ट्यूनिंग है इनबिल्ड उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें दिखाते हैं। ये सबसे पहला देखो इसमें ना हॉर्न लिख रहा है, हॉर्न लिख रखा है, सायरन लिख रखा है, हाई LD मतलब कि हाई लाउड या कुछ ऐसा कोई जो भी होगी, ठीक है। और ये वेल 1 है और वेल 2 है, ये इनका ना स्टेज नंबर है भाइयों। अब फोकस पड़ा है, हॉर्न लिखा हुआ है, सायरन लिखा हुआ है, हाई LD लिखा हुआ है, वेल 1 वेल 2 मतलब कि ये नीचे की ना इसकी स्टेन है पूरी ये वाली, ठीक है जी। आपको चला के दिखाते हैं, सबसे पहले हॉर्न बजाते हैं, ये इस तरीके की आवाज निकालेगा। और सायरन, तो भाई ये सायरन ऐसे आवाज निकालेगा। और ये तीसरा फीचर्स है इसमें, तो ये इस तरीके का फीचर्स निकालेगा, ये इसकी स्टेन है, मैं दिखा दूंगा आपको ये दबा के, ये ऐसे निकालेगा भाई। और ये सेकंड नंबर वाला, तो भाई ये इस तरीके का, ये आपको मैंने आवाज़ वगैरह सारी सुनवा दी। और भाइयों बात करते हैं कि इसकी जो ये कितनी दूर से मतलब कि ये जो इनका ये स्प्रिंग वाली टाइप बोल दी सर, रबर टाइप ये जो वायर है वैसे टेलीफोनों में आती थी पहले लैंडलाइन में, उसी तरीके की है ये। और ये कम से कम भी मान लो कि आप तीन या 3.5 फुट तक 4 फुट तक भी खींच जाएगी ये। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर आदमी ट्रैक्टर के मरगाड़ों पर भी बैठा हो तब भी वो क्या मतलब कि इससे आवाज़ अपनी बॉडी अच्छी तरीके से पहुंचा सकता है, मतलब कि इसमें आवाज़ बोल सकता है, इतनी इसमें वायर की है भाइयों। तो भाइयों बात आती है कि वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके बता दियो। और अगर आप इसे लेना चाहते हो भाइयों तो मैं आपको थोड़ा सा एड्रेस बता देता हूँ। एड्रेस है जी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि यूपी स्टेट है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें भोपा गांव है, भोपा के बिजली घर के सामने एक दुकान है, वहां से आप इस एसेसरीज के बारे में पता कर सकते हैं अगर आप भोपा के आसपास के रहने वाले हो, ठीक है भाई साहब।
तो भाई वीडियो कैसी लगी, या मैंने आपको वीडियो में शुरू में भी कहा था आपको किस तरीके की आगे की वीडियो चाहिए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो भाई उसी तरीके का आप कमेंट कर दीजिए कि भाई हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दिखा दो, तो भाई मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू भाई।